अध्याय एक श्लोक एक त्रिंशत् अर्थात 31वां श्लोक। ना चाश्रेयो वानु पश्यामि हत्वा स्वजन माहवे, ना कांक्षे विजयम कृष्ण, ना चा राज्यम सुखानिचा। अर्थ: हे कृष्ण, इस युद्ध में अपने ही स्वजनों का वध करने से ना तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है और ना मैं उससे किसी प्रकार की विजय, राज्य या सुख की इच्छा रखता हूँ। यह जाने बिना कि मनुष्य का स्वार्थ विष्णु या कृष्ण में है, सारे बुद्धिजीव शारीरिक संबंधों के प्रति यह सोचकर आकर्षित होते हैं कि वे ऐसी परिस्थितियों में प्रसन्न रहेंगे। ऐसी देहात्म बुद्धि के कारण वे भौतिक सुख के कारणों को भी भूल जाते हैं। अर्जुन तो क्षत्रिय का नैतिक धर्म भी भूल गया था। कहा जाता है कि दो प्रकार के मनुष्य परम शक्तिशाली तथा जाज्वल्यमान सूर्यमंडल में प्रवेश करने के योग्य होते हैं। ये हैं, एक तो क्षत्रिय जो कृष्ण की आज्ञा से युद्ध में मरता है, तथा दूसरा सन्यासी जो आध्यात्मिक अनुशीलन में लगा रहता है। अर्जुन अपने शत्रुओं को भी मारने से विमुख हो रहा है। अपने संबंधियों की बात तो छोड़ दें, वह सोचता है कि स्वजनों को मारने से उसे जीवन में सुख नहीं मिल सकेगा, अतः वह लड़ने के लिए इच्छुक नहीं है। जिस प्रकार की भूख ना लगने पर कोई भोजन बनाने को तैयार नहीं होता, उसने तो बन जाने का निश्चय कर लिया है। जहां वह एकांत में निराशापूर्ण जीवन काट सके, किंतु क्षत्रिय होने के नाते उसे अपने जीवन निर्वाह के लिए राज्य चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय कोई अन्य कार्य नहीं कर सकता। किंतु अर्जुन के पास राज्य कहाँ है? उसके लिए तो राज्य प्राप्त करने का एकमात्र अवसर है कि अपने बंधु बांधवों से लड़कर अपने पिता के राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त करे, जिसे वह करना नहीं चाह रहा है। इसलिए वह अपने को जंगल में एकांतवास करके निराशा का एकांत जीवन बिताने के योग्य समझता है। अध्याय एक श्लोक द्वात्रिंशत् अर्थात 32वां श्लोक। किम नो राज्येन गोविंद किम भोगेर जीवितेन वा येषामर्थे कार्षितम् नो राज्यम भोगाः सुखानि च। अध्याय एक श्लोक त्रयत्रिंशतः। ता इमे अवस्थिता युद्धे प्राणान् त्यक्त्वा धनानि च, याचार्य पितरः पुत्रास्थैव च पितामह। अध्याय एक श्लोक चतुर्त्रिंशत् अर्थात 34वां श्लोक। मातुलाः स्वशूराः पौत्राः श्यालाः संबंधनिष्ठता एतान् हन्तुमिच्छामि गतोऽपि मधुसूदन। अध्याय एक श्लोक 35वां अर्थात 35वां श्लोक। अपि त्रिलोक्या राजस्य हेतुः किं नु महीकृते निहत्य धार्तराष्ट्रान्नः का प्रीतिः स्याज जनार्दन। अर्थ: हे गोविंद, हमें राज्य सुख अथवा इस जीवन से क्या लाभ, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं वे ही इस युद्ध भूमि में खड़े हैं। हे मधुसूदन, जब गुरुजन पितृगण पुत्रगण पितामह मामा ससुर पौत्रगण साले तथा अन्य सारे संबंधी अपना अपना धन एवं प्राण देने के लिए तत्पर हैं और मेरे समक्ष खड़े हैं, तो फिर मैं इन सबको क्यों मारना चाहूँगा? भले ही वे मुझे क्यों ना मार डालें, हे जीवों के पालक, मैं इन सबों से लड़ने को तैयार नहीं। भले ही बदले में मुझे तीनों लोग क्यों ना मिलते हों, इस पृथ्वी की तो बात ही छोड़ दें। भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी?